जय श्री ओम नमः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्जायाडं णमो लोये सौरसाहुणं। इस भवतरु का मूलेक जानहु में क्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करी हो मोक्ष उपाय। हमने कल और आज के सेशन में आवाज बढ़ाई थी, हम अभी जिनागम के सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को समझने के पहले उसका नेचर समझा जाता है। अगर हम किसी भी वस्तु का नेचर ना समझें, उसकी कार्य पद्धति को ना समझें, तो वो वस्तु हमें समझ में नहीं आ सकती। जिस तरह से हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक ऑटोमेटिक होती है, एक मैनुअल होती है, तो हमें उसका मोड समझ में आता है कि भाई ऑटोमेटिक का नेचर क्या है और मैनुअल का नेचर क्या है। ऐसे संसार में विभिन्न मत हैं, विभिन्न फिलॉसफीज हैं, उसमें जिनागम का नेचर क्या है और अन्य फिलॉसफीज का नेचर क्या है। हमारे सामने एक विकट परिस्थिति यह है कि हमें सुनने को जिनागम कहीं नहीं मिलता और अन्य फिलॉसफी सुनने को बहुतायत में मिलती हैं। हम बहुत सी बार संशय में पड़ जाते हैं कि सही क्या है। इसका परिणाम है कि हमारे बहुत सारे जैनी बच्चे, आप लोग तो खैर यहाँ आ गए तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं किसी न किसी को कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, तो बहुत सारे लोग अन्य फिलॉसफीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर वो लोग बोलते हैं अरे सौरभ जी आप पढ़ो उनको, कितना अच्छा है। तो मैंने कहा आपने जिनागम नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको लग रहा है कि वो पढ़ो आप। तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या हम दूसरी फिलॉसफीज को पढ़े ही नहीं, हम बिल्कुल अवॉइड करें। इसका उत्तर आचार्य मानतुंग ने 21 नंबर के भक्तांबर के छंद में दिया है। क्या कहते हैं आचार्य मानतुंग? मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेशु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। इसे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। तो 21 नंबर के छंद में आचार्य मानतुंग क्या कह रहे हैं? हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने आपसे पहले अन्य देवी देवताओं को देख लिया। क्या कह रहे हैं? मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेशु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति। अच्छा हुआ जो मैंने उनको देख लिया, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको देखा तो मेरा मन तो आप में ही संतुष्ट हो गया। इसका उदाहरण सुन लो कि साहब एक पत्नी का व्यवहार अचानक पति के प्रति बदल गया, बड़ा सॉफ्ट हो गया, बहुत अच्छे से बात करने लगी। पति को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। उसने सासू जी को कॉल लगाया अपनी कि भाई ये अभी आपके घर आई थी मेरी पत्नी, तो ऐसा क्या पढ़ा दिया आपने, इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं, वो पड़ोस में उसकी सहेली थी ना, उसके पति की और तुम्हारी उसने कंपैरिजन कर ली तो पता चला उसको 10 मार्क्स मिले और तुम्हें 80 मार्क्स मिले, तो उसे तुम्हारी बहुत महिमा आई, 4 दिन तुम्हारी महिमा ही गाती रही मेरे से। अब वो समझ गया भाई कि तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है, अच्छी चीज पर हमारा श्रद्धान पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। वैसे तो देखो कहावत है राष्ट्रपति भी अपनी पत्नी के आगे राष्ट्रपति नहीं रहता, लेकिन अगर वो तुलनात्मक अध्ययन कर ले तो ऐसे ही क्या कहा कि साहब हे भगवान अच्छा हुआ मैंने अन्य देवी देवता को आपसे पहले देख लिया, क्योंकि उनको देखने के बाद जब मैं तुलना करता हूं ना उनसे आपकी, तो मेरा पूरा श्रद्धान किस में जाता है? आप में जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या हम अन्य फिलोसफी पढ़े ही नहीं। जिनागम इस बारे में बहुत बहुत फ्री है, फ्रीडम देके रखता है। क्या देके रखता है फ्रीडम? आपको जहां जाना है आप जा सकते हो, जहां जाना है वहां जा सकते हो। तो आपको चिंता नहीं है कि अगर अपना बछड़ा किसी और के यहाँ बांध दिया जाए तो बछड़ा उन्हीं का हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर बछड़ा समझदार है तो नहीं होगा। कैसा समझदार? कि साहब आप लोग
तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन का नेचर क्या होता है कि हमें तुलना करके अच्छी वस्तु को का चयन करना है, और अगर आपने तुलना करने में अच्छी वस्तु का चयन नहीं किया तो हम ये मानेंगे यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आप होशियार नहीं हैं। आप जैसे आप लोग तो देखो दुकानदार हैं, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया, कितनी की दोगे? तो आपने कहा 1000 रुपये की। नहीं 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 900 की लगाओ। वो नहीं भैया, मैं तो 1000 की दूंगा। ठीक है, अब आपकी दुकान पे नौकर था, उससे कहा देखना अभी आधे घंटे बाद लौट के आएगा। कैसे पता साहब आपको आएगा? देखना कहाँ गया वो, अभी दूसरी दुकान पे। तो आपको तो पता है कि मेरे को ना ये 990 रुपये की पड़ी है और 10 रुपये में प्रॉफिट लेके इसको दे रहा हूँ, और मुझे तो इसलिए पुरेगा क्योंकि मेरी दुकान घर की है, मेरी दुकान में काम करने वाले लोग कम सैलरी लेते हैं और मेरे खर्चे कम है, तो मुझे 10 रुपये। लेकिन दूसरे के पास जाएगा वो तो इसको 1100-1200 से कम में नहीं देगा। वो आया, भैया वो दे दो, अब आप भी चतुर, हाँ 1050 में दूंगा। ऐसे करते ना आप लोग, 10 नहीं नहीं भैया। जब उसने तुलना की तो अब आपके पास से जा नहीं रहे, पता है वो आखिरकार 1025 में लेके चला गया। क्यों? उसको कहीं और तो 1200 में बताया था, 1300 में बताया था। तो ये हम लोग लौकिक में एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उस तुलनात्मक अध्ययन से हमारा श्रद्धान पक्का होता है। तो इसी तरह से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या हम अन्य फिलॉसफीज को पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, तो जिनागम कहता है पढ़ो ना, कौन ने मना किया है। लेकिन अगर आप होशियार हैं तो उसमें से सही निकाल लेंगे। इवन टोडरमल जी ने तो 5वां पूरा अधिकार लिख दिया, पूरा अधिकार का देख लो साहब, ये कंपैरिजन है प्रोडक्ट की, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इनका प्रोडक्ट है, देख लो आप। तो पहली बात तो ये धारणा आप लोग निकाल देना कि आपको जैन आचार्य कहीं भी जाने से रोकते हैं। सुबह किसी ने प्रश्न पूछा था बाहर कि साहब वो अपने यहाँ मना करते हैं ना कि हम कोई और मंदिर नहीं जाएं, हमारे यहाँ बिल्कुल मना नहीं है, कोई और मंदिर जाने की बिल्कुल मना नहीं है, हम तो ये कहते हैं जाओ क्योंकि भक्तांबर में आचार्य मानतुंग ने कहा, अन्न को देख के आओ। आखिरकार आप कहाँ संतुष्ट हो गए? वितरकता में संतुष्ट हो गया। तो कोई मनाही नहीं है ना तो दूसरी फिलॉसफी पढ़ने की, बस इतना है उनका उपयोग मात्र तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए है, बस उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है उनका। तो साहब तुलनात्मक अध्ययन नहीं कराते तो हमें बिना तुलनात्मक अध्ययन की महिमा आती कहाँ है? कहाँ आती बताओ आप मुझे? वैसे हम अपने जीवन को गालियां देते रहेंगे लेकिन जब दूसरे के जीवन से कंपैरिजन करेंगे तो क्या बोलेंगे? और हमारा जीवन तो लाख गुना अच्छा है। जब हमने उनका जीवन देखा तो हमें ज्ञात हुआ। तो इसी तरह से हम अन्य दर्शनों से अगर तुलना करें तो द्वेष ना करें, तुलना करें। द्वेष से मैं बता देता हूँ। तो सुबह किसी ने प्रश्न पूछा अन्य मंदिर नहीं जाएं क्या? तो मैं कहता हूँ जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नमस्कार कहाँ करना है वो आप फॉर्मूला लेके जाइए। जहाँ जहाँ मुझे वीतरागता मिलेगी वहाँ वहाँ मैं नमस्कार करूँगा, और जहाँ जहाँ वीतरागता नहीं मिलेगी वहाँ वहाँ मैं नमस्कार नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर हम अन्य फिलॉसफी से द्वेष करें कि नहीं करें? तो श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं एक श्रावक को अन्य मतावलंबियों से द्वेष नहीं करना चाहिए। आप सोचो कि हम कितने महान कुल में पैदा हुए हैं जहां क्या सिखा रहे पता है? क्या सिखा रहे? हमें अन्य मतावलंबियों से द्वेष नहीं करना है। तो क्या करना है? साम्य भाव रखना है। क्या होता है साम्य भाव? साम्य भाव जानते हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता। जिस शहर में आप लोग रहते हो वहां से ज्यादा साम्यवादी तो कोई होंगे ही नहीं, है ना? साम्यवादी समझ गए आप? कैसे साम? आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता कि साहब मैं सेकंड टाइम बॉम्बे आया तो ट्रेन रुक गई, लोकल ट्रेन रुक गई, तो पता चला साहब क्यों रुक गई, तो बोले आगे कोई जो लटकन थे ना लटकने वाले उसमें से कोई गिर गया एक, वो मर गया। अच्छा, ये खबर आ गई, वो सब बिल्कुल आराम से बैठे मुझे छोड़ के। मैं कहता ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो एक वो मराठी आदमी से बोले, अरे भाई तुम चिंता नहीं करो, यहाँ ऐसा रोज होता है,
सब एकदम साम्यवादी। साम्यवादी मतलब हमें कोई लेना देना नहीं, इसे बोलते हैं साम्यवादी। ना हमें राग है ना द्वेष है, इसे बोलते हैं साम्यवादी। हमें साहब हमें किसी से द्वेष नहीं है, ये हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं। और बताऊं आपको, अगर नैतिक शिक्षा की बात करें, आप लौकिक आचार की बात करें, तो कितनी गहराई वाली बात बताएगी, सुनो आप। ब्रह्मचर्याणु व्रत है हमारे यहाँ, एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याणु व्रत में ब्रह्मचारी लोगों को और गृहस्थों को क्या इंस्ट्रक्शन से पता है आपको, किसी भी पति पत्नी के झगड़े में ना पड़ें, ये इंस्ट्रक्शन है उसमें। किसी को मन में विकार करने वाली बातें ना करें, बताएं ना, और किसी पति पत्नी के झगड़े में ना पड़ें। अब बोलो कितनी लौकिक लौकिक सामान्य सी बात है कि साहब दो भाइयों के बीच में, पति पत्नी के बीच में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या होता है पता है, सीख ना दीजिए बानरो उल्टो दे मिटाए, बंदर को नहीं समझाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उल्टा आप पे संकट आएगा। तो ये सब अगर आप लौकिक शिक्षाओं की बात करो तो जनागम लौकिक शिक्षाओं से भरा हुआ है। अब बोलो ये कितनी अच्छी बात है, जब मैंने जनागम में ये बात पढ़ी कि हमें अन्य मतावलंबियों से द्वेष नहीं रखना है, साम्य भाव रखना है, मुझे जैन धर्म की महानता समझ में आई। जहाँ अन्य लोग बोलते हैं केवल हम रहेंगे सब मिट जाएं, वहाँ पता है हम क्या बोलते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना, अरे मरे नहीं, क्या करें, घबराए भी नहीं। और हम शांति पाठ पढ़ते ना बड़ा वाला, क्या पढ़ते हैं उसमें, होवे वर्षा समय पे, ना रहे व्याधियों का अंधेरा, कोई भी व्याधि ना हो किसी को, समय पे वर्षा हो, राजा के राज्य में सब लोग सुखी हों। अब बोलो इतनी महान भावना भाने वाला दर्शन जिसको हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। आप दुनिया के कोई से भी मोटिवेशनल कोर्स अटेंड कर लेना, कोई से भी, आपको या तो हमारे जिनागम से चोरी मिलेगी कोई ना कोई चीज़। मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ें, तो मैं देखता हूँ इन्हें लिखा क्या है। कई सारी मोटिवेशनल बुक में हमारी किताबों की एग्जैक्टली लाइन कॉपी की हुई है, लाइन कॉपी है, बस उन्होंने नाम नहीं डाला, रेफरेंस नहीं डाला कि साहब ये ली कहाँ से है। मैंने एक नहीं, मैंने कई किताबें देख ली और वो किताबें बेस्ट सेलर है। कहाँ से ली गई है फिलोसफी, कहाँ से ली गई है, जनागम से ली गई है। एक किताब है 5 AM क्लब, पढ़ी ना आपने, रॉबिन करके कोई है, रॉबिन शर्मा, हाँ, तो वो बहुत चली 5 AM क्लब। तो हमारे तो जिनागम में साहब एक श्रावक को प्रातः काल उठकर अच्छी तरह से स्नान आदि करके और क्या करना चाहिए, जिनेन्द्र अभिषेक करने आना चाहिए। तो भैया अगर 6 बजे आओगे तो 5 बजे उठना पड़ेगा ना। उनने 5 AM क्लब लिख के, और एक और व्यक्ति ने लिखी मिरेकल ऑफ मॉर्निंग, उनने लिख के करोड़ों रुपये कमा लिए। और हमारे यहाँ तो एक श्रावक का कर्तव्य है, ये सामान्य सा कर्तव्य है। फिर उनने और भी बुक लिखी है। देखो अपन लोग रात्रि भोजन करते नहीं करते अलग मैटर है, लेकिन ये अंग्रेज लोग रात्रि भोजन छुड़ाने पर जो किताबें लिख रहे हैं उससे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पूरे वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं, और वो लोग अपनी किताबों को पढ़ रहे हैं, ये मुझे पता है। तो मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें और घबराएं ना, आपको कहीं जाने से नहीं रोका जाएगा। बस इतना है कि आप वहाँ जाएं और जिनागम को पढ़ें। लेकिन अगर आप जिनागम को पढ़ें ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो ये डर है पक्के में। कौन सा डर है, कि आप फिर वहीं के होके रह जाएंगे। अच्छा अगर आप वहीं के होके रह गए तो और सुन लो जिनागम क्या कहता है इस बारे में, आपका आप जानो, नहीं समझे आप। यहाँ पता है यहाँ किसी की चिंता किसी को नहीं है, जिनागम में कोई किसी की चिंता नहीं है। यहाँ तो कॉमनली कह दिया जुगल किशोर जी ने, क्या कहा, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बस हमारी भावना तो क्या है, संसार के सारे जीव सुखी रहें, कोई घबराए नहीं। अब साहब उसके बाद भी कोई घबराए तो घबरा लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम जैन धर्म ना पढ़े कुछ और पढ़ने लगे तो पढ़ लो, सिंपल सी बात है। प्रत्येक जीव अपने स्वर्ग का नरक का मोक्ष का संसार का कर्ता स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। और भोगना किसको पड़ेगा, किसको भोगना पड़ेगा। ये थे ना जो वाल्मीकि थे ना, वाल्मीकि जिनने रामायण लिखी ना, वो कौन थे पता है आपको,
चोर नहीं, लुटेरा भी नहीं, लुटेरा के भी दादाजी होते हैं डाकू। देखो चोर जो होता है वो बेचारा वो बड़ा मरियल सा होता है, जब भी तो रात को 2 बजे आता है। डाकू भरी दोपहरी में आता है, दिन में पूरे गांव के सामने। डाकू थे वो वाल्मीकि, तो उनसे बोला क्यों भैया क्या कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण के लिए लूट करता हूँ भैया। अच्छा तो वो पक्के में तुम्हारे हैं सगे? बिल्कुल। अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक आपको प्रयोग बताता हूँ, अगर वो प्रयोग सही रहा, फेवर में रहा, मेरे फेवर में रहा, तो मैं डाकू बन जाऊँगा। तुम्हारे फेवर में रहा तो मैं डाकू बन जाऊँगा, मेरे फेवर में रहा तो तुम मुनि बन जाना, उनके मुनि। ठीक है साहब, घर गए तो घर में गए तो इन्हें सांस रोकने में इनको महारत हासिल थी, लेट गए और लोग इनके लगा बच्चों को कि पत्नी को मर गई। तो इतने में बाबा जी निकले वहाँ से, तो उन्होंने कहा साहब मैं जीवित कर देता हूँ मरे हुए लोगों को, तो कर दो साहब बहुत ज़रूरी है, तो ये आदमी तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो कैसे, शर्त क्या है? तुम में से किसी एक को अपने प्राण देने पड़ेंगे। अब वो सुन रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। देखो अभी सब एकदम आगे आते हैं प्राण देने को, एक भी आगे नहीं आया, सब ने अपने अपने बहाने बना दिए। ये उठे, उन्होंने कहा उठो भैया, उठे चुपचाप चले गए और फिर उन्होंने रामायण लिखी। तो सोचो संसार की असलियत ज्ञात होने पर रामायण लिखी जाती है, अगर संसार की असलियत ज्ञात होने पर सम्यक तो प्राप्त कर लिया जाए तो मोक्ष नहीं होगा क्या? तो जिनागम क्या है, जिनागम क्या बताता है? पहले तो आप लोग ये भय निकाल लो कि जिनागम आपको बड़ा वैरागी बना देगा। सबको ये भय होता है, आप लोगों को भी है। हम जैन दर्शन पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, हमसे ये छुड़वा देगा, ये भी छुड़वा देगा, इसके लिए मना करेगा। जैन दर्शन आपकी किसी भी एक्टिविटी पर रोक नहीं लगाता, केवल विवेक देता है, बस विवेक पैदा कराता है। और विवेक देकर वो ये बोलता है अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा डिसीजन किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। अब आप चाहे पाताल में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, डिसीजन आपके हाथ में है। तो एक तो जिनागम जो है वो स्वकर्तावादी दर्शन है, अर्थात आपका मोक्ष नरक ये सब आपके हाथ में है। मैंने जो दोपहर में आपको कर्मों का सिद्धांत बताया, वो कर्मों का सिद्धांत मात्र इसलिए बताया गया कि हम लोग कर्तापने के भाव से बहुत परेशान होते हैं। अगर मैं समयसार की भाषा में बात करूँ तो समयसार तो आत्मा के साथ कर्मों का संबंध तक मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं कर्मों से रहित, नौ कर्मों से रहित। लेकिन चूंकि हमारा प्रकरण वो नहीं था, हमारा प्रकरण क्या था कि हम जो परेशान रहते हैं, कैसे परेशान रहते हैं हम लोग, अपने कर्तापने के भाव से। तो कर्तापने के भाव से परेशान रहते हैं, इसलिए हमने वो अपना जो प्रकरण लिया कि जो कर्म है वो इस तरह से उनका काम होता है। एक प्रश्न आया था कि साहब ये कर्म बिल्कुल नहीं बदले जा सकते। बदले जा सकते हैं ना, 10 प्रकार के वैसे कर्म होते हैं, मतलब इसके भेद जो है ना कर्मों के 10 प्रकार के होते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण निरत्ति निकाचित उदय उदीर्णा, ऐसे 10 भेद होते हैं। इसमें एक संक्रमण नामक कर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी का मान लो पूर्व काल में बहुत पाप का उदय हो, आप लोगों का बता देता हूँ, मान लो कोई आप लोगों का पाप के परमाणु उदय में आने हो, लेकिन यहाँ आके आप लोग 2-3 दिन पूरी दिन भर रात भर आप लोग शुभ भावों में लगे, तो आपके पूर्व के पाप के परमाणु अगर कन्वर्ट होने योग्य हैं तो पाप के परमाणु कन्वर्ट होके पुण्य में बदल जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? पुण्य के परमाणु ज्यादा संक्लेश परिणामों के करने की स्थिति में काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो बदलाव होता है, वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि नहीं होता है क्योंकि हम बदलने की कोशिश करते हैं। क्या बदलने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कैसे होता भाई? जो जो देखी वीतराग ने सो हो सी वीरा रे, जो जिनदेव ने देख ली वैसे होगी। फिर भी अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो पुण्य के परमाणु पाप में कन्वर्ट हो सकते हैं, पाप के परमाणु पुण्य में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि उदय में आकर ही रहते हैं, भले ही वो तीर्थंकर के हों या किसी के और के हों, वो उदय में आएंगे आएंगे। अब साहब इसमें ये कर्मों का हमने जो सिद्धांत समझा, और कर्मों का सिद्धांत समझने के बाद हमें जो चीज़ समझ में आई वो क्या समझ में आई?
कि हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब हमको क्या है, कोई भी भय नहीं है। किसका भय नहीं है हमें, बोलो किसका भय नहीं है। अच्छा आप लोग एक सही सही बात बताना, टुडे इज़ द सेकंड लास्ट डे, टुमारो इज़ द एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। भाई वर्ल्ड वॉर ही चल रही है, ऑफिस में रोज 8 घंटे बैठते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। यहाँ 8 घंटे बिठाने में हम लोगों को आधे आधे घंटे चिंतन करना पड़ता है, इतना बिठा लें कि नहीं इन लोगों को 8-10 घंटे है, मेहनत लग रही है, आकुलता हो रही है। बोलो यहाँ आकुलता हो रही कि नहीं हो रही, तो 2 दिन और बढ़ा दें। नहीं बढ़ेगा। टिकट बने हुए हैं सबके, आपके भी मेरे भी। हाँ चलिए, तो हम कर्मों का जो सिद्धांत समझ रहे हैं, हम अपने जीवन में एक सहजता लाना चाहते हैं। मैं देखो, मैं आप लोगों को अभी जिनागम के बहुत बड़े बड़े सिद्धांत ना बता के उन बड़े बड़े सिद्धांतों तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता लूँ मैं आपको। तो एक रास्ता हमने कर्मों का समझा, अब हम इसमें ये समझते हैं कि एक जैनी श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए। सामान्य श्रावकाचार जो इस किताब में लिखा है और जो हमारे ग्रंथों में आया है चरणानियोग के, 4 प्रकार के अनियोग होते हैं। एक होता है द्रव्यानियोग, एक होता है प्रथमानियोग, एक होता है कर्णानियोग और एक होता है चरणानियोग। अमन जी जो विषय बता रहे हैं अपने जो पृथ्वी गोल है, और वो विषय है कर्णानियोग का। मैं जो विषय ले रहा हूँ तो मैं मिक्स ले रहा हूँ, जो कहानियाँ सुनाता हूँ वो प्रथमानियोग का है, जो सैद्धांतिक बात बताता हूँ वो द्रव्यानियोग का है वो। और अब मैं यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक चरणानियोग का। चरणानियोग का विषय क्या बोलता है, चरणानियोग पूरा एक तो व्यवहार नय से बात करता है। व्यवहार नय से बात करता है, इसे क्या तात्पर्य कि पूरा बाहर के आचरण की बातें बताता है वो। अब कौन कौन से आचरण की बातें बताता है, चरणानियोग महिलाओं के फ्रीडम की बात नहीं करता, महिलाओं के मर्यादा की बात करता है, पुरुषों की स्वच्छंदता की बात नहीं करता, पुरुषों की भी मर्यादा की बात करता है। क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया कि वो मॉडर्निटी के नाम पे जितनी स्वच्छंदताएँ और जितने आचरण हो रहे हैं उन सबको सही ठहरा दिया जाता है, लेकिन अगर हम अपने चरणानियोग की बात करें तो हमारे चरणानियोग में सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, माताओं बहनों के लिए भी हैं और पुरुषों के भी लिए भी हैं। अब चरणानियोग में इंस्ट्रक्शन काय काय की दिए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपके व्यापार के, आपके विचारों के, आपके खाने के, हर प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उस चरणानियोग में होते हैं। इसका डिटेल में आपको बताऊं, उससे पहले आप किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन सहज रूप में हो सकता है कि इन सब का उद्देश्य क्या है। तो सुन लो, जिस तरह से हीरे को सोने की डब्बी में रखा जाता है, आप लोग बॉम्बे में देखते हो ना, हीरा कहाँ रखा जाता है, या कोई बहुत अच्छा माणिक हो तो डब्बी प्रेसियस होती है ना, उससे कोई लोहे की डब्बे में तो नहीं रखते ना। ऐसे ही आत्मानुभूति करने वाला श्रावक का जो आचरण होगा वो जिनागम के अनुकूल होगा। ये मुझे लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक जगह मेरे से एक किसी ने ऐसा प्रश्न किया था कि पंडित जी आपने बताया था कि ये शरीर भोजन नहीं करता, सॉरी आत्मा भोजन नहीं करता, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है कि साहब मैं पेय का करता नहीं, मैं भोज्य का करता नहीं। तो अब आप बताओ मुझे कि मैं चाहे शराब पीऊं या अवक्ष का भक्षण करूं, जब शरीर कुछ खाता ही नहीं है तो फिर आप इसका मना क्यों करते हो, आत्मा कुछ खाता ही नहीं है तो आप इसको मना क्यों कर रहे हो। वैसे उसका क्वेश्चन तो सही था, उसने उदाहरण काय का लिया, साहब समय सार में लिखा है कि मैं साहब भोज्य का करता नहीं, मैं पेय का भी करता नहीं, मैं तो फिर अगर मेरा आत्मा खाता नहीं, खाता शरीर है, तो फिर मुझे आप मना क्यों करते हो चरणानियोग का हवाला देकर। तो मैंने उसको बताया कि देखिए, यद्यपि लगता ऐसा है कि शरीर खाता है, मूल रूप में भोजन करता तो आत्मा ही है। क्यों, क्योंकि भोजन करने का भाव कहाँ पैदा हो रहा है। तो अगर आप अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हो तो अनर्गल प्रवृत्ति करने का भाव कहाँ पैदा हो रहा है। तो जिसकी आत्मा में अनर्गल प्रवृत्ति करने का भाव पैदा होगा
वो सम्यक्त प्राप्त करने का उपाय कैसे कर सकता है। आई समझें बात, ये जिनागम समझना सबके बस की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो व्यसन में लिप्त है ना वो तो पहले ही आउट हो गए, वो यहां आएंगे ही नहीं। व्यसन में लिप्त हो गए वो तो आउट हैं, जो यहां आए तो क्या लिखा, कषायों की मंदता हो तो समझे वो। तो चरणानियोग क्यों आवश्यक है, मैंने आपको कारण बता दिया कि यद्यपि भोजन तो शरीर करता हुआ दिखाई देता है आत्मा नहीं, लेकिन उस भोजन को करने के परिणाम का कर्ता आत्मा कहा जाता है, इसलिए चरणानियोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। थोड़े से मैं बता देता हूँ जो जो इंस्ट्रक्शन चरणानियोग देता है कि एक श्रावक को कैसा होना चाहिए, वाणी से मधुर होना चाहिए, वो कठोर वचनों का प्रयोग ना करे, ठीक है। दूसरा, सामान्य श्रावक के योग उसमें कर्तव्य होना चाहिए। अब सामान्य श्रावक के योग कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक छंद है, देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, उदान, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, देव पूजा। एक श्रावक को प्रतिदिन क्या करनी चाहिए, देव पूजा। फिर गुरु उपासना, गुरु उपासना से मतलब गुरु उपलब्ध हैं, और ये वीतरागी गुरुओं की बात हो रही है, शिक्षा गुरुओं की नहीं, वीतरागी गुरु की उपासना करें। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, उनका स्मरण करें, वो भी उनकी उपासना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय कब किया जाना चाहिए, प्रतिदिन, क्योंकि ये षट आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दानं चेति गृहस्थाणां षट कर्माणि प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन तो होता नहीं है, मुझे ये पता है आप लोगों का, हैं आजकल तो ऐसे देते हैं। अब क्या, मेरे संपर्क में सब लोग रहते हैं, तो मेरे पास समाज ने कई सारे डिपार्टमेंट सौंप रखे हैं। एक डिपार्टमेंट मैरिज ब्यूरो का है, पता है मेरे पास, सबको पता है कि साहब ये बाहर जाते हैं, इनकी टच में यंग रहते हैं, बॉयज़ भी रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं। सौरभ जी, मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का बताना। धार्मिक है मेरी लड़की बहुत, अच्छा जरा डिटेल करो धार्मिक कैसी है। पर्यूषण में पूरे 3 दिन मंदिर जाती है। तो मैंने कहा साल में, हाँ साल में 8 बार चली जाती है, बहुत बढ़िया। ऐसी प्रोफाइल कुछ लड़कों की तरफ से मिलती है, साहब मेरा लड़का बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, उसके लिए कोई धार्मिक लड़की देखना। अच्छा धार्मिक कैसा धार्मिक है वो ही बता दो। तो उनके धर्म की अलग परिभाषा है। क्या परिभाषा है उनकी, कि साहब वो हफ्ते में 5 दिन होटल नहीं जाता, बस उसे बहुत ग्लानी फील होती है, तो कब कब नहीं जाता, वो मैंने मना कर रखा है अष्टमी नहीं जाए, चतुर्दशी नहीं जाए, तो वो क्लब होटल घूमने बस 5 दिन नहीं जाता, महीने में 4 दिन नहीं जाता। हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बड़े धार्मिक हैं। ऐसे बड़े बड़े धार्मिकों के रिश्ते आते हैं मेरे पास। अब बोलो मैं इतने बड़े धार्मिकों के लिए कैसे बच्चे ढूंढूं, हैं? हाँ अच्छा फिर सुनो, सबके पास एक डिमांड की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसमें ये तो होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप ये पूरा बायोडाटा वहाँ डालो, वो क्लिक करो, वो कंपेयर करके बता देगा आपको एक जो परफेक्ट मैच ला देगा। तो खैर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चरणानियोग और क्या बोलता है। चरणानियोग ने आपको बोला कि साहब हितमित प्रिय बोले हम, 6 षट आवश्यकों का पालन करें। ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोलता है कि नहीं बोलता, बोलता है। एक श्रावक को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए दूसरे के मन में विकार पैदा ना हो, ये कपड़े का इंस्ट्रक्शन है। भोजन कैसा करना चाहिए, भोजन ऐसा किया जाना चाहिए आपके विचार तामसिक प्रवृत्ति वाले ना हो। और कैसा करना चाहिए, हिसाब इस श्रावक को मद से, मांस से और मधु से दूर रहना चाहिए। एक विवेक बिंद्रा की एक वीडियो बनाई थी उसने, तो देखी होगी आपने, वो बहुत चली। अब देखो जैन दर्शन समझने कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो भैया अपन भी देख लो भाई क्या बनाया इनने, तो बड़े उत्साह, ये जो जैनी होते हैं, और फिर लिख रहा है ये लोग 3 चीजों का त्याग करते हैं, मद, मांस और मधु। अब सुनना ध्यान से, मद में तो उन्होंने बता दिया, समझ में आ गया शराब, मांस में समझ में आ गया नॉन वेज,
और मधु में उनने एक लड़की बता दी, मधु नामक लड़की बताई उनने। अब उनको ये नहीं कल्पना में है कि ये जैनी लोग जो शहद है ना, शहद उसको मधु बोलते हैं और उसको भी त्यागने की कैटेगरी में कोई डाल सकता है, किसी की कल्पना में भी नहीं है। तो उनने वो आप देखना वीडियो में, जब मैंने कहा क्या बता रहे यार, ये मधु की फोटो क्यों लगा दी उसने, कोई ऐसे दो चार गलती की उसने। वो क्या करें साहब, ये समझना कोई आसान बात थोड़ी है। लोगों की कल्पना में नहीं है ये चीज कि शहद भी जिनागम में इतनी निषेधात्मक वस्तु है, जिसे पूरा आयुर्वेद, पूरे डॉक्टर जिसे बोलते सबसे हेल्दी है। और हमारे यहाँ क्या बोलते पता है, शहद की एक बूंद मतलब पूरा गांव जलाने बराबर पाप है। पूरा गांव जला दिया आपने एक बूंद में, क्यों? क्योंकि आपने उन छोटे छोटे अंडों को निचोड़ा, मक्खियों को निचोड़ा, सबको मार डाला। और वैसे भी वो क्या है, शहद क्या है, वो तो साहब मधुमक्खी का सलाइवा है, वमन है वो। तो मैं समझ गया कि कोई भी खां आ जाए, बाकी जिनागम को एग्जैक्टली प्रेजेंट तो वो ही कर सकता है जो कि इसको गहराई से पढ़ता है। खैर, तो मध्य मास मधु का त्याग किया, तो मधु का प्रकरण आया कि साहब उसने मधु का वो नाम कोई लड़की मधु बता दी उसने, तो वो आया। तो इस तरह से कपड़ों के पहनने में हमारा जिनागम हमें इंस्ट्रक्शन देता है, भोजन में इंस्ट्रक्शन देता है, बोलने में देता है, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए वो भी देता है। कोई कहे अगर हम ये सब ना करें तो हम कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा आपका। क्यों नहीं बिगाड़ लेगा, क्योंकि बिगड़ेगा किसका, नहीं करने की अवस्था में किसका बिगड़ेगा, बोलो, हमारा बिगड़ेगा। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं अपन। वो पीपीटी खुल गई क्या? हाँ, अब और आगे बढ़ते हैं साहब। आज की दुनिया बहुत टेंशन में रहती है, तो मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ खुल गई, मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूँ। आज की युवा पीढ़ी, पूरी युवा पीढ़ी जो पीड़ित है वो काय से पीड़ित है पता है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को डिफाइन किया गया, तो पहले तो वो लोग ये बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के स्कॉलर कि स्ट्रेस को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई व्यक्ति कोई छोटी सी चीज का स्ट्रेस ले सकता है और दूसरा व्यक्ति उसका नहीं लेके किसी और का ले सकता है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो आज की कॉमन समस्या है। सबसे ज़्यादा बीमारी विदेशों की है ये, जो भारत में भी आने लगी है। तो वहाँ वो लोग 3 महीने का कोर्स होता है, कोई किसी को स्ट्रेस हो जाए ना तो उसको गोलियाँ दी जाती हैं। तो मैंने पता लगाया कि साहब ये स्ट्रेस हो जाए तो स्ट्रेस किसी का गोलियों से दूर कैसे किया जा सकता है? तो कुछ नहीं, वो जो गोलियाँ देते हैं ना वो नींद की गोलियाँ देती हैं। ये शराब पीने वालों ने प्रचार किया ना, जैसे खुशी हो तो भी पियो, गम हो तो भी पियो। बोले गम को भुलाने के लिए शराब पीना चाहिए, मतलब ये है जब तुम सो ही जाओगे, बेहोश हो जाओगे, गली में पड़े रहोगे तो गम करोगे क्या तुम? ऐसे ही इनने क्या किया साहब, स्ट्रेस में है पूरी दुनिया। तो डॉक्टर ने कहा आ जाओ हम आपको इलाज देते हैं, लाओ पहले तो पैसे लाओ, 10,000 रुपये रख दो और ये दवाई ले जाओ 8 दिन की 10 दिन की। आपने खा ली, खाने के बाद क्या हुआ आपको, और आप क्या बोलते हो, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से बहुत फ़ायदा हो रहा है, भगवान के समान बहुत फ़ायदा है। तो डॉक्टर ने कहा 10 दिन और खाओ, फिर 10 दिन खाओ, लेकिन स्ट्रेस जैसे ही दवाई बंद करते हैं फिर से चालू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब इसको नींद नहीं आती है। तो स्ट्रेस एक ग्लोबल समस्या है और भारत में बहुत तेज़ी से ये फैल रही है। अभी स्ट्रेस होने पर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। मुझे यहाँ कोई लौकिक स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ यू कैन मैनेज स्ट्रेस बाई अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। मेरा टॉपिक ये है, मतलब मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई लौकिक वाला नहीं है, क्लियर कर दूं पहले। मैं ये बताने वाला हूँ इसमें कि आप लोग अपना स्ट्रेस जिनागम के प्रिंसिपल को समझने से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन स्ट्रेस में है, हाथ उठाओ। एक ये भाई साहब तो है, देखो ईमानदारी से उठा देना, बहुत पाप लगेगा नहीं तो। नहीं देखो, अपना हाथ उठाओ, मैं समझ गया। सभी मत बोलो आप,
अपना अपना हाथ उठाओ, है? सब हाथ उठा रहे हैं, तो मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं हूँ स्ट्रेस में, आप लोग उठाओ। कौन कौन है स्ट्रेस में यहाँ? पहले बहनें उठाओ, वो हैं बहन स्ट्रेस में है। नहीं नहीं होता है, 8 साल के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा आजकल। गाथा स्ट्रेस है तुम्हें? नहीं है। हाँ, ये इसको यशवी को स्ट्रेस है, और आपको है? सबको स्ट्रेस है। चलो भाई समझ गया मैं, इधर स्ट्रेस है, इधर है, पीछे पीछे और उधर है। नहीं, 2-3 दिन बड़े हंसते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, स्ट्रेस में तो लग ही नहीं रहे हो। तो आप लोग कहोगे वो आपने गाना सुना था पहले दिन, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। तो स्ट्रेस में यही होता है, पता है, वो व्यक्ति बाहर में हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत चिंता में रहता है। अब साहब, ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? पहले अपन ये स्ट्रेस आता कहाँ से है, तो जब ये जीव अपने अनुसार पदार्थों को चलाना चाहता है, और जब इसके अनुसार पदार्थ नहीं चलते हैं तो ये स्ट्रेस में आ जाता है। सही है? अच्छा, तो मैं एक बात पूछता हूं आपसे, क्यों आपके अनुसार अगर संसार चलाने को दे दिया जाए तो? देखो, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ब्रेन भारतीयों का माना जाता है, सबसे अच्छा ब्रेन भारतीयों का माना जाता है। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो US के राष्ट्रपति ने बोला था, उस समय शायद बुश थे कि क्लिंटन थे, उनने कहा था वी इम्पोर्ट TV फ्रॉम कोरिया, वी इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान, एंड वी इम्पोर्ट ब्रेन फ्रॉम इंडिया। अब आप लोग, वाह, मतलब हमारा दिमाग इतना तेज है। हाँ सुनिए, उसके पीछे कारण है हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति कारण है। विदेशों में कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डांट नहीं सकता, मारने की तो बात दूसरी है, और हमारे यहाँ सरकार ने नियम बताया फिर भी टीचर हर 2-3 दिन में ठोक देते हैं। एक मैंने सत्य घटना पढ़ी थी साहब, एक कोई कलेक्टर गांव से उनका काफिला जा रहा था, रास्ते में रुके, एक बूढ़े से आदमी जिनने चश्मा लगा रखा, तो चश्मा लगाने बूढ़े नहीं होते, वो तो बूढ़े थे इसलिए लगा रखा था, तो वो कलेक्टर उतरे और उनके पैर पड़े, तो सब अधिकारी हतप्रभ, हाँ कलेक्टर साहब इनके पैर पड़ रहे हैं, अरे सर पहचाना नहीं आपने मुझे, मैं आपका स्टूडेंट। अच्छा, कौन से? वो आपने जिसको सबसे ज्यादा मारा था उसी मार से कलेक्टर बना, बोले मैं। क्यों? मैं बहुत मस्ती खोर था, आपको मेरे पे स्नेह था, आपने मुझे उस दिन इसलिए मात्र डंडे मारे थे कि तुम्हारी फैमिली की हालत खराब है, और तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। सर, उस दिन आपके डंडे ने मुझे आज कलेक्टर बना दिया, इसलिए मैं आपके पैर पड़ रहा हूं। बोलो, भारत में तो टीचर डंडे मारे तो पैर पड़े जाते हैं, विदेशों में अलाउ ही नहीं है। तो इसीलिए भारत का जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां की शिक्षा पद्धति में गुरुओं को सम्मान करना सिखाते हैं, और गुरु भी उनमें स्ट्रिक्ट रहते हैं, सिखाने में स्ट्रिक्ट रहते हैं, डांट सकते हैं, मार सकते हैं। और हमारा देश जो है, भारत देश ज्ञान प्रधान देश है। अब साहब, मैं स्ट्रेस की बात बता रहा था, अब जिन बच्चों को विदेशों में स्ट्रेस कभी दिया ही नहीं गया, उनको दिया ही नहीं गया, उनको समझाया ही नहीं गया कि दुनिया ऐसी भी होती है, हैं? एक आपने वो पढ़ा होगा इंजीनियर का लेटर, फेमस है वो लेटर, कि एक रिसेशन आया US में, सत्य घटना है वो, तो रिसेशन आया तो एक इंजीनियर ने सुसाइड कमिट कर लिया अपनी फैमिली सहित, उसने एक लेटर लिखा कि साहब मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात के लिए मुझे कभी तैयार ही नहीं किया गया कि ऐसा समय आ सकता है। मुझे तो बचपन से मैंने अपने पिताजी से जो कहा वो मिला, तो मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, तो मैं इस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए मर रहा हूँ, यही हो रहा है। पता है, माता पिता अपने बच्चों को जो बहुत ज़्यादा सुविधाओं में पालते हैं, स्ट्रेस में आने का सबसे ज़्यादा खतरा उनको है। हम लोग तो वो बच्चे हैं, मतलब हम लोग, हमारी पुरानी पीढ़ी बहुत ठुके पिताजी से, बहुत गालियां खाई, टीचर ने मारा घर पे आया तो घर पे पिटे, टीचर ने मारा, हमसे कहने क्यों आया भाई, तुमने गलती करी होगी, पढ़ा नहीं होगा। आज ठुकने का ये परिणाम है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं,
समझ गए आप? कहने का तात्पर्य यह है कि स्ट्रेस के पहले हमें कारण, ये वैसे मेरा बहुत लंबा सेमिनार होता है, मैं तो बहुत शॉर्ट कर रहा हूं आपको, कि साहब स्ट्रेस के पहले हम देखें, हम स्ट्रेस के कारण खोजने का कोशिश करें बचपन से। तो आजकल क्या हो रहा है, वन बेबी या टू बेबी कंसेप्ट है, और वो उनको ऐसे पालते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को कोई कमी होने ही नहीं दी। तो मैं कहता हूं आप सबसे बेकार माता पिता, सबसे बेकार। हमने उनको कभी दुख देखने ही नहीं दिया तो फिर आपने उनका भविष्य खराब किया। हमने उनको कभी अभाव देखने ही नहीं दिया, आपको अपने बच्चों को सारी परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखना चाहिए। बच्चे ने कोई डिमांड करी और आपने पूरी कर दी, इसका मतलब आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो, आप उसका भला नहीं कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। देखो आप, हम लोग तो क्या ज्यादा भाई बहन थे, हम तो 6 भाई बहन थे, डिमांड चलती कैसे, नहीं समझे, जिद कैसे करते। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक बच्चा है डिमांड करता है तो सहन सबको दर्द होने लगता है, रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, और वो धीरे धीरे करके जिद में मिल जाता है, और आगे जाके ये बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। मैं आपको रूट कॉज बता रहा हूँ हमारी, तो इवन इस पर जो रिसर्च चली थी यूएस में, 3 महीने की पूरी रिसर्च थी हमारी, हमने बहुत सारी केस स्टडी उठाई उसमें, जो भारत में करी वहाँ करी, तो पता चला कि साहब स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, फैमिली कल्चर ऐसा हो गया सबका। जो जिस व्यक्ति ने जीवन में समस्याएं नहीं देखी उसको स्ट्रेस में आने के सबसे ज्यादा चांसेस, सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसके। अब ये बताओ मुझे कि जब आपने समस्याएं नहीं देखी और छोटी छोटी बातों में आपका दिमाग खराब हो जाएगा तो आप मजबूत बनोगे ही नहीं आप। एक ऐसी काल्पनिक कहानी है, जैसा एक किसान जो था, तो बहुत बारिश हो गई, तो उसने भगवान को चैलेंज किया, क्या भगवान तुम मतलब कभी भी पानी बरसा देते हो कभी भी नहीं लेते हो, अगर मेरे पास व्यवस्था होती तो मैं इतनी बढ़िया फसल उगाता कि मजा आ जाता। तो भगवान ने कहा, अपने भगवान नहीं थे, तुमने कर ले बेटा, आशीर्वाद दिए, रेज निकली, बोले तेरे को दिए 6 महीने का पावर, तू भगवान। तो किसान ने इतना अच्छा मैनेज किया, अश्विन भाई बराबर 4 महीने जो पानी बरसना चाहिए उतना ही पानी बरसाया, बिल्कुल ठंडी हवा नहीं लगने दी, और फसल जो इतनी होती थी ना, किसान ने फसल इससे 3 गुना ऊंची उगाई। अब फसल कटने का टाइम आया और फसल तोड़ के देखी गई तो फसल के अंदर अनाज ही नहीं था, अनाज नहीं था उसके अंदर। तो पूछा, भगवान मैंने तो सब कुछ अच्छे से मैनेज किया, ये फसल उगी तो, लेकिन इसमें अनाज क्यों नहीं आया? बोले बेटा, जिसे तुम समझ रहे थे ना कि ये परिस्थितियां बेकार हैं, अव्यवस्था है, एक्चुअली में फसल उसी ठंड गर्मी की थपेड़ों से पकती है और वो पक कर ही गेहूं बनता है। तुमने पेड़ तो बहुत बड़े कर लिए लेकिन उनको तुम गेहूं पैदा नहीं कर पाए। ऐसे ही हमारा भी जीवन कैसा है कि लौकिक रूप से जब समस्याएं देखते हैं तो समस्याओं को देखने में हमारा मानसिक मजबूत होता है। ये वाली बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने दिमाग में एक चीज़ रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या आती रहेगी और हमें उससे भागना नहीं है। भागने की दशा में आप स्ट्रेस में होंगे, हैं? नहीं, गेम नहीं, आओ ना मेरी क्लास में आओ ना, मैं मजबूत बना दूंगा। ये तो देखो 1.5 दिन की क्लास है, नहीं तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। मैं 1.5 दिन की क्लास है तो आपको लग रहा होगा पंडित जी बढ़िया है, हंसाते ही रहते हैं, वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, मेरी क्लास में कोई अनुशासनहीनता नहीं हो सकती, ठीक है? वो तो अभी 2-3 दिन के मेहमान हो, आप लोग आगे पाला पड़ेगा तो समझ में आएगा। चलिए, हाँ, तो स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हम जो व्यक्ति जितना ईजी लाइफ जीने का आदि हो जाएगा वो उसके स्ट्रेस में आने के उतने चांसेस हैं। चलिए, और दूसरा कारण पता लगाते हैं, जिस व्यक्ति को वस्तु की व्यवस्था नहीं बताई गई उसको भी स्ट्रेस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसको हैं। आजकल बच्चे एग्जाम में कम मार्क्स आने पे मर जाते हैं, मुझे आज तक ये फंडे ही समझ में नहीं आया कि साहब कम मार्क्स आने पर, फेल होने पर, खैर फेल होने पर तो कोई नहीं मरा, वो कम मार्क्स आने पर मरते हैं, फेल होने वाला तो ना पक्का आदमी है वो बहुत पक्का आदमी, उसे पता है, मम्मी से जाके बोल रहे, मम्मी रिजल्ट, खुश हो रहा है, 10 बच्चे थे स्कूल में
नौ फेल हो गए, एक पास हुआ, उस फेल में मैं भी हूं। वो नहीं मरता, मरता कौन है पता है? जो बेचारा साल भर पढ़ता रहता है और उसे ऐसा लगता है मेरी दो दो परसेंटेज कम आई, मैं ये अमुक बच्चे से पीछे रह जाऊंगा और फिर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, क्या होगा मेरा। वो बेचारा 95% वाला मरता है। वो फेल वाले तो मरते ही नहीं है, 33% वाला भी नहीं मरता है। 33% वाला तो पार्टी करता है, मैं तो फेल होने वाला था। पास हो गया मैं तो ये स्ट्रेस में आजकल इतने सारे बच्चे मर रहे हैं। तो सरकार ने बहुत सारे नियम भी बना दिए कि भैया ग्रेडिंग दो आप एक परसेंटेज का चक्कर मत रखो आप। तो ये बच्चों को स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। और स्ट्रेस के अपन कारण देखते हैं, वैसे इसमें सब लिखे हुए हैं, मैं तो ओरली बता रहा हूँ आपको। और स्ट्रेस के कारण देखते हैं, स्ट्रेस का और कारण क्या है साहब? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें बहुत स्ट्रेस में डाल रही है आजकल। आपको कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, ये आपके परिणामों को आकुल व्याकुल करने लगा। जबकि जो फेसबुक का जो जन्म हुआ ना, वो कैसे हुआ पता है? वो जो एक विद्यार्थी था, ये क्या नाम इसका, मार्क जुकरबर्ग, किसी से बदला लेना था ऐसे ही। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेबसाइट तो ऐसे ही बना देते हैं। तो किसी से अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल से बदला लेने के लिए उसने वेबसाइट बना के उसके नाम से कोई मैसेज करने लगा, तो वेबसाइट बनी ऐसी। वो फिर क्या हुआ, दो भाइयों का, दो भाई थे, तो उन्होंने कहा अगर इसमें ये बिजनेस कंसेप्ट ऐड कर दिया जाए ना तो ये एक बड़ा एम्पायर बन सकता है। वो बन गया, फिर ये जुकरबर्ग पीछे हट गए, फिर उनको उनका जुर्माना देना पड़ा। तो ये तो बनी ऐसी थी दूसरों को परेशान करने के लिए, तो हो रहे हैं आज परेशान। तो एक कॉज हो गया हमारा सोशल मीडिया, हो वस्तु की व्यवस्था नहीं जानना हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और हमें कठिन परिस्थितियों से बचना एक ये भी कारण हो गया हमारा कि साहब हम कठिन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं तो हम लोग स्ट्रेस में आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसमें जितना होगा उतना हम विषय पूरा करेंगे। हाँ देखिए, पहले पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया है इसमें, तो यहाँ से चालू करूँ? हाँ हो गया, हो गया। हेलो हेलो, हाँ देखिए, पांच परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है। पांच परमेश्वरी को नमस्कार क्यों किया गया है? क्योंकि हम अपना स्ट्रेस जो दूर करने वाले हैं ना, इन पांचों परमेश्वरियों से दूर करने वाले हैं। आगे बढ़ाइए। हाँ, ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो हमें स्ट्रेस को डिफाइन करना और उसका जैन फंडामेंटल्स से हमें इम्पोर्टेंस समझना कि हम अपने स्ट्रेस को जैन फंडामेंटल्स को समझ कर स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं, हम पीछे जाइए एक छूट गया पॉइंट, प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू लर्न मोर अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अदर इशूज। तो इस प्रेजेंटेशन का एक पर्पज़ ये भी है कि आप लोगों को इसके रिसोर्सेज अवेलेबल कराना कि आप लोग क्यों स्ट्रेस में आते हैं और आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, फिर की क्वेश्चन, हमारे दिमाग में स्ट्रेस को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेस क्या है, कौन इसे अनुभव करता है, स्ट्रेस के कारण क्या हैं, स्ट्रेस के रिजल्ट क्या हैं और हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये चार की पॉइंट्स हैं जो कि हमें स्ट्रेस करते समय ध्यान देते हैं, ध्यान रहते हैं या ध्यान देना चाहिए। एक तो इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, एक इसके कारण क्या हैं इसके, आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हाँ, फिर कह रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का लॉजिक और डिफाइन स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, हु एक्सपीरियंस स्ट्रेस, तो रिजल्ट उसके हैं, हाउ डज इट इफेक्ट मी, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, व्हाट कॉजेज स्ट्रेस, हाँ, हाउ डू आई मैनेज एंड मिटिगेट स्ट्रेस, मैं कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ और कैसे इसको मैं हटा सकता हूँ। आगे बढ़िए, अब ये व्यक्ति बैठा है तो साहब स्ट्रेस में क्या क्या होता है देख लीजिए आप। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एक्टिविटी, हेडेक अर्थात सरदर्द, फियर मतलब डर, हरासमेंट, एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज और समथिंग एल्स। अब एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रेस की डेफिनेशन दी है, स्ट्रेस इज नॉट अ यूजफुल टर्म फॉर साइंटिफिक बिकॉज इट इज अ सच अ हाईली सब्जेक्टिव फिनोमिनल दैट इट डिफाइज डेफिनेशन एंड इफ यू कैन नॉट डिफाई स्ट्रेस हाउ कैन यू पॉजिटिवली मेजर इट। तो
तो उन्होंने ये बोला है कि साहब हम स्ट्रेस को हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो कैसे पता लगाएं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो स्ट्रेस है ना उसका लेवल, उसके कॉजेज अलग अलग होते हैं। फिर भी इसके स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेज बताएं कि साहब स्ट्रेस से क्या क्या होता है। तो आप लोग देख लो, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लगी, जबकि ये बीमारी ना 60-70 के बाद की है। ब्लड प्रेशर होने लगा, सर दर्द होने लगा इनका। क्यों होने लगा आपको पता ही नहीं कि साहब वो किस टेंशन में है वो। सर दर्द होने लगा, हाई ब्लड प्रेशर होने लगा, और बहुत सारी शरीर की बीमारियां होने लगी। काय के कारण से? स्ट्रेस के कारण से। हाँ, अब कह रहे हैं साहब सोशल मीडिया जो है वस्टिंग और बूस्टिंग योर स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? तो मैंने जब बनाई थी मेरे ख्याल से तब कम थे और प्लेटफॉर्म बढ़ गए होंगे। कोई मिसिंग है क्या इसमें? अच्छा, मतलब उस टाइम इंस्टा नहीं था जब मैंने बनाई थी। है ना, देखो ये इसमें इंस्टा है। अच्छा नहीं है, मतलब आप इससे स्ट्रेस में जाओ आप, है ना कि सर इंस्टा ट्रेंडिंग चल रहा है और आपने इंस्टा तो लिया ही नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि साहब ये सोशल मीडिया जो है आपका स्ट्रेस बढ़ा रही है कि घटा रही है? आगे बढ़िए। हाँ, अब साहब कॉमन थेरेपी देख लीजिए कि कॉमन पीपल जो है स्ट्रेस को कैसे दूर करते हैं। तो कह रहे हैं साहब, हाँ, स्पा, एक्सरसाइज, हॉबी, मेडिटेशन, योगा, नेचर, टाइम मैनेजमेंट, म्यूजिक। मतलब थेरेपी जो लौकिक लोग लेते हैं, क्या क्या लेते हैं स्ट्रेस में, जो डॉक्टर देते हैं ना, वो क्या क्या बोलते हैं, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आप अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन करने के लिए स्पा करने जाओ और नहाओ, आप म्यूजिक थेरेपी लो आप, है ना, और लाफिंग थेरेपी होती है, जानते ना आप लोग लाफिंग थेरेपी क्या होती है? हाँ, लाफिंग थेरेपी, ये भाविश भाई ने एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई। लाफिंग थेरेपी इट मीन जबरदस्ती हंसना। थेरेपी क्या बीमारी होगी वो, तो हंसो नहीं हो, हंसी नहीं आ रहा आप हंसो। तो इसमें कहा गया कि साहब स्ट्रेस जो है इस तरह से लोग मैनेज करते हैं, एक्सरसाइज से, हॉबी से, मेडिटेशन से, योगा से, नेचर से, टाइम से, म्यूजिक से। ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लोगों के तरीके हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़िए। हाँ साहब, अब बात आती है जैन की। साहब ये तो बता दिया आपने कि लौकिक में ऐसे स्ट्रेस मैनेज किया जाता है, अब आप भी बता दो कि आप कैसे स्ट्रेस मैनेज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि साहब सत्संगति, चरणान योग, ध्यान, द्रव्यान योग, अनेकांतवाद, द्रव्यान योग, अपरिग्रह, चरणान योग, अहिंसा, क्षमा, चरणान योग, जैन दर्शन का प्रयोग, द्रव्यान योग, स्वाध्याय, द्रव्यान योग, संयम, चरणान योग। मतलब इनको फॉलो अगर आप करेंगे तो आपका स्ट्रेस दूर हो सकता नहीं है, हो ही जाएगा। मतलब हमारे प्रोडक्ट पे एक नोट है, पता है, मतलब मेरा प्रोडक्ट है कौन सा, जिनागम प्रोडक्ट है मेरा, मेरा नोट है उस पे, मेरा माल कभी आपको बुरा नहीं लग सकता और ये पक्के में आपकी बीमारी मिटाएगा, 1% भी डाउट नहीं है। एक इंग्लिश में वर्ड है ना, पेनिसिया, रामबाण औषधि। तो ये जो स्ट्रेस मिटाने के उपाय जो है ना, ये तो रामबाण औषधि की तरह है ये, ठीक है। तो इतने सारे जो सत्संगति, ध्यान, अनेकांतवाद, अपग्रह, अहिंसा, क्षमा, जैन दर्शन का प्रयोग, स्वाध्याय और संयम, ये स्ट्रेस मिटाने के हमारे साधन बन सकते हैं। अब इस पर अपन एक एक पे चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो जितना मैंने बताया स्ट्रेस के बारे में, जो भी यहाँ प्रेजेंटेशन में आया, वो सारी बातें सही हैं कि नहीं है? पिछले 3 दिन में आप स्ट्रेस में रहे कि नहीं रहे? नहीं रहे, थोड़े तो आए होंगे। जब हम लोग बोलते ना कि वो चंद्रमा एक नहीं है, दो हैं, अमन जी आज थक के सो गए थे, आज बहुत सताया गया। अरे भाई लिखा है दो हैं तो दो हैं, सूर्य दो हैं तो दो हैं। अब आप लोग क्या करते हो, हाँ, ये छोटे से पंडित जी ये कह रहे हैं दो हैं, वाह, और हमने जो पढ़ा है अपने कॉलेज में वो बेकार है, ये छोटे से पंडित जी आगे बताने, दो चंद्रमा हैं, दो पृथ्वी हैं, हैं। तो मैं दूर खड़ा देखता हूँ कि आप लोग अमन जी को कहीं दबा तो नहीं रहे हो। तो वही स्ट्रेस में आ गए आप लोग, सब आ जाते, पता है,
बहुत से लोग जैन दर्शन सुन के स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्यों? उनकी मान्यता खंडित होती है। तो सौरभ जी थोड़ा तो अपन कुछ कर सकते हैं जीवन में, थोड़ा। मैं कह नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं कमा नहीं सकता, मतलब मैं परिवार मेंटेन नहीं कर सकता, मतलब मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। तो मैंने कहा इसे जिनागम में कहा कर्तापने का भाव। वो कर्तापने के भाव में आदमी हमेशा कायम रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। अच्छा, एक स्ट्रेस का रीजन और जो मैंने यहां लिखा नहीं, अपेक्षा करना भी स्ट्रेस का कारण होता है। क्या अपेक्षा करना स्ट्रेस का कारण होता है? ज्यादा नहीं, एक्सपेक्टेशन ऐसी ऐसी करता है जो सही नहीं है। एक बात बताओ कि आपने जो सोचा है दुनिया वैसी चलेगी क्या? आपने कहा मैंने साहब उसका बहुत साथ दिया, उसने मेरा नहीं दिया, तो मैं से पता क्या बोलता हूँ, उसका उदय था साथ देने का, आपका नहीं है। अब इसमें आपको स्ट्रेस में आने की आवश्यकता क्या? अच्छा, एकदम सिद्धांत देखो साहब, उसका उदय था, आप उसका साथ दो, लेकिन आपका उदय नहीं है कि वो आपका साथ दे। अब इतने में आप क्या बोलते हो, क्या बताऊं सौरभ जी, मैंने उसकी कितनी मदद की और आज तो मेरा सर दुखता है 24 घंटे जब मैं उसके बारे में सोचता हूं। तो मैं कहता हूं काय को दुखा रहे हो, एक बार जरा उदय का विचार करो। क्या उदय का विचार करो, किसी ने अगर मैंने किसी की मदद की तो उसका उदय था, और कोई मेरी नहीं करता का तात्पर्य मेरा नहीं है, खत्म काम। तो एक एक्सपेक्टेशन भी हमारे स्ट्रेस का रीजन बन जाता है। तो जितने आपको मैंने स्ट्रेस के कारण बताए, तो एक तो सब लोगों ने यहाँ बोला कि साहब हम सब स्ट्रेस में हैं, तो वो जो उसके सिम्टम आए, हाई ब्लड प्रेशर, सर दुखना और जो जो आए, सब होता है आप लोगों को बराबर, तब मानूंगा मैं स्ट्रेस है आप लोगों को। स्ट्रेस से आपको पता है मोटापा भी बढ़ता है, बढ़ता है। सुनो कैसे बढ़ता है, वो क्या करता है, कहीं जाता नहीं, वो स्ट्रेस में जो रहता है ना, बैठा रहता है, बैठा रहता, चिप्स खा ली, ब्रेड खा ली, रोटी खा ली, उठा ही नहीं 4 दिन से वहाँ से, तो कैलोरी तो इकट्ठी होगी ना उसकी, तो मोटा हो जाएगा। स्ट्रेस में ये भी होता है, उसकी हेल्थ बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमारे साथ ही सिम्टम हो रहे होंगे। मैं तो यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, सारे स्ट्रेस मिटाने का एक उपाय है, जिनागम के जो यहाँ सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों को समझना। अब उन सिद्धांतों का वर्णन तो हम कल करेंगे, आधी प्रेजेंटेशन आज होगी, आधी कल करेंगे, क्योंकि अगर मैंने आगे पढ़ाया तो अब आप लोग स्ट्रेस में आ जाओगे। सर स्ट्रेस में आ रहे हैं हम लोग, अब बंद करो, ठीक है? तो इस तरह से हमने एक आज स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक छोटा सा अपना, मतलब सब्जेक्ट तो डिटेल में है लेकिन हम छोटे से रूप में ले रहे हैं, तो आधा जो पार्ट बचा है वो हम कल लेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि उसको कंसाइज करके पूरा आपको समराइज करूँ। वैसे तो इसमें मैंने 5-6 प्रिंसिपल लिखे हैं, इसमें 15-20 प्रिंसिपल्स लेके और उसको डिटेल किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट में समझ में आ रहा होगा। दूसरा, जिनागम की सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। खुश तो हो आप लोग, पढ़ने से नहीं बोल रहा हूँ, नीचे खाने से खुश हो? बढ़िया है खाना वाना है, चाय में बढ़िया मिल रही, कमरे अमरे बढ़िया है? अगर उससे खुश हो तो मैं खुश नहीं हूँ। मैं कैसे खुश हूँ पता है, हमें सुविधाओं का कोई लोभ नहीं, हमें अगर जिनागम समझ में आ रहा है बस उसके कारण से हम खुश हैं। तो बोलो काय के कारण खुश हो आप लोग? बस अब देखो कितनी धीमी आवाज हो गई, भोजन के बोलने में। हाँ हाँ हाँ, तो जिनागम के समझने से हमें खुश होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ सिद्धांत की, तो जिनागम को सुनना कोई सहज पुण्य उदय की बात नहीं है। जिनागम को सुनना, देखो गुरुदेव तो बोलते थे आ बात काने पड़े दुर्लभ छे, ये बात तो कान में पड़नी दुर्लभ है, और आप लोग तो देखो 3 दिन से कान लगा के बैठे हो, बोलने वाले के गले दुखने लगे। मैं सोचता हूँ ये आधे चले जाएं बाहर तो मैं क्लास खत्म कर दूँ, कोई जाता ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो देखिए आप सब लोग बहुत रुचिवान हैं, और एक शिक्षक को पढ़ाने का आनंद तब आता है जबकि विद्यार्थी उत्साह दिखाएं। तो आप लोगों ने विगत 2 दिनों में जो 8 दिन की पढ़ाई कर ली है,
तो विगत 8 दिनों से मुझे पढ़ाने का बड़ा मजा आ रहा है। अब आप लोग सब बम्बई वाले ठहरे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे कवर करना आपको पता है। तो विगत 2 दिनों से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के तौर पर तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि आप सब लोग बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हो। कल जरूर सुबह सुबह आप लोग शायद थके होंगे, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, चर्चा नहीं हुई, लेकिन कल शाम से चर्चाएं चालू हुई और आज दोपहर तक आते आते तो शाम दोपहर के सेशन के बाद तो वो अमन जी का खाना ही खाना मुश्किल हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, तालियां बजाई मैंने। तालियां क्यों बजाई मैंने कि भाई इतने क्वेश्चन हो रहे हैं कि ना खाना खाने देंगे ना खाएंगे, पहले क्वेश्चन के आंसर दे के जाओ। तो ये बड़े पॉजिटिव साइन है ये। और आप ये सोचना कि ये तो हमें नहीं पता कि फिर से कब योग बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो योग बना तो हो गया, अब आगे योग बनेगा, हम रहेंगे, आप में से कौन नहीं रहेगा, हमें क्या पता। आयु पूरी होगी वो नहीं, अभी तो अनुकूलता हो गई आपकी आने की, फिर कोई बहाना हो जाए, फिर अंतराय का उदय आ जाए, है ना। तो ये हमें जो अवसर मिला है इसका लाभ लें। केवल ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल है, आप लोग उस पर मुझे रेगुलर देख सकते हैं, उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं और वेल मेंटेन्ड है वो चैनल। करीब उस पर 62,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 महीने के 5 लाख के करीब करीब उस पर ट्रैफिक रहता है, व्यूअर्स का ट्रैफिक रहता है, मतलब 1 साल में 60-70 लाख लोग उस पर देखते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं। तो आप लोग आगे जुड़ने के लिए एक तो यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, और मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, एक गुड़गांव की क्लास चलती है मेरी, अल्टरनेट डेज चलती है, तो वो लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। दूसरा उपाय ये है कि एक आप लोगों की स्पेशल क्लास हर 15 दिन में, महीने में 2-3 क्लास ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, ताकि आप लोगों पे जो इन्वेस्टमेंट हो गया है वो बेकार ना जाए। नहीं तो क्या होगा, 3 दिन में इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने समय इन्वेस्ट किया, मैंने किया, और हमें कोई रिजल्ट ही ना मिले। तो ऐसा है कि हम एक क्लास जो है हर 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में एक क्लास हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, US की क्लास चलती है, अभी मैंने जैसे संडे था ना, तो आज मैंने ली है, वो इंग्लिश में चलती है, हाँ एवरी संडे चलती है। तो वो समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक इंग्लिश में हम लोग वहाँ ले रहे हैं वो। तो एक संडे चलता है समय सार, एक संडे चलता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ऐसा चलता है। तो आप लोग ये मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक अपनी एक ग्रुप बना सकते हैं अलग से जो वहाँ का है। तो अभी फीडबैक सेशन चल रहा है ना, अभी होने वाला है 15 मिनट का फीडबैक सेशन, तो सब लोग अपना अपना फीडबैक तैयार रखो। फॉर्म नहीं दिया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी फीडबैक देना पड़ेगा। तो करें फीडबैक सेशन स्टार्ट करें अतुल भाई। हाँ ये बढ़िया। हाँ एक प्रश्न आया था या समझिए सजेशन आया था कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप हमें वो बता दीजिए। तो जैन धर्म के एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना चाहिए प्रारंभिक काल में, तो उसके लिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका सबको याद होना चाहिए। जैन सिद्धांत प्रवेशिका छोटी वाली भी है, बड़ी वाली भी है, तो छोटी वाली आप लोग याद कर सकते हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। फिर हमें कुछ प्रथमान युग के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए रुचि जोड़ने के हिसाब से, जैसे पद्म पुराण है, हाँ छेड़हाला है, हाँ बालबोध मेरे ख्याल से सब लोग पढ़े हुए हैं ये, हाँ कल्पनाबेन की एक बालबोध गाइड है वो भी पढ़ सकते हैं, हाँ वीतरा विज्ञान और बालबोध, तो छेड़ल लिख लिया आप लोगों ने। फिर इसके बाद एक सत्य की खोज, एक छोटे दादा की किताब है सत्य की खोज, और एक इन भावों का फल क्या होगा, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, इसके बाद आप मेरे को कॉल करना। 2 साल का मैटर बता दिया मैंने आपको, ये 2 साल में भी नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, इन भावों का फल क्या होगा। हाँ तो एक संस्कार लिख लीजिए, संस्कार सत्य की खोज, संस्कार, इन भावों का फल क्या होगा। तो ये मैंने आपको प्रथमान योग और द्रव्यान योग के आपको मैंने ये रेफरेंस दे दिए, सरल भी हैं और कठिन भी हैं, इनमें दोनों हैं। हाँ अरे कहीं जाना होगा उसको, अच्छा जाने नहीं सकती।